सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप लोग देख रहे हैं टिक टिक चैनल और मेरा नाम है रिक्की पाल। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा व्हाट्सएप आई बटन के बारे में। तो दोस्तों, आप भी अपना चैट प्राइवेट रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और मेरे चैनल पे अपने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टिक टिक चैनल और मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि ऐसे आप अपनी व्हाट्सएप की चैट को प्राइवेट रख सकती है। तो इसलिए पहले आपको इस आई बटन के बारे में जानना होगा। दोस्तों, आप व्हाट्सएप बहुत साल से इस्तेमाल कर रहे होंगे बट इस आई बटन के बारे में आप नहीं जानते। आप आज इस आई बटन के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो मैं आज इस आई बटन के बारे में ऑल डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप अपनी फ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैट करते हैं, वो आप और कोई दूसरा आप पढ़ रहे हो तो आप ये सब नहीं जानते। तो मैं इस चैट को प्राइवेट करने के लिए पहले इस आई बटन को जाना होगा, उसके बाद इंक्रिप्शन पे आपको एक बारकोड आएगा। इस बारकोड पे आके आपको यहाँ पर स्कैन करना होगा। देख सकते हैं ठीक हो गया। तो इसकी मदद से आपकी चैट और कोई नहीं पढ़ सकता। और आपको सेटिंग पे जाके अकाउंट की इस वाले ऑप्शन को ऑन करना होगा। इसकी मदद से आपकी चैट दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। तो आपकी गर्लफ्रेंड बहुत दूर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके या फिर इंस्क्रिप्शन पे जाके यहाँ पर शेयर बटन को शेयर करके अपनी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड को इस बार को स्कैन कर सकते हैं। तो इस स्कैन करने से क्या होगा, आपका जो प्राइवेट चैट है वो दूसरा और कोई नहीं पढ़ सकता। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना।